गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ का सेकंड चैप्टर वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा के वर्णों को जानना जरूरी है। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नाम भी पढ़िए। हिरण, कोयल, पुस्तक, बगीचा। ऊपर दिए गए ये नाम निम्न ध्वनियों से मिलकर बने हैं। जैसे हिरण, हिरण बोल रहे हैं तो इसके अंदर हम ही तो ई का स्वर आ रहा है। रे तो रे के साथ ए का स्वर सुनाई दे रहा है। ने के साथ भी हमें ए का स्वर सुनाई दे रहा है। तो इस तरह हमने निम्न ध्वनियों को अलग किया है। इसी तरह कोयल, कोयल बोल रहे तो ओ का स्वर भी सुनाई दे रहा है। ये के साथ ए की ध्वनि और ले के साथ ए की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। ऊपर दी गई ध्वनियों के और खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये सभी ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। इन्हें मूल ध्वनियाँ भी कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला किसी भी भाषा के निश्चित क्रम में लिखे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। पहला स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर संख्या में 11 हैं। ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। इसी तरह उच्चारण के आधार पर स्वर के तीन भेद हैं, ऋष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ऋष स्वर में ये संख्या में 4 हैं, ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर ठीक है, ये 7 हैं, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। प्लुत स्वर, इनका प्रयोग प्राय दूर से किसी को पुकारने या प्रार्थना के रूप में किया जाता है। जैसे राम इधर आओ, ठीक है ना, यह इसको बोलने में तिगुना समय लगता है। अयोगवा, अंग और अह दोनों वर्ण न तो स्वर हैं न ही व्यंजन हैं, परंतु इनका उच्चारण अ के बिना संभव नहीं होता है, इसलिए इन्हें अयोगवा कहते हैं। अंग का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, पहला बिंदी के रूप में और दूसरा चंद्रबिंदु के रूप में। ठीक है, अब इसका उच्चारण, इसका उच्चारण नाक से होता है। ठीक है, इसका उच्चारण इसलिए इसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे गंगा, ठीक है, इनके अंदर हम देखेंगे ये हर वर्ग का पंचम वर्ण है। ठीक है ना, हर वर्ग जैसे क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, ठीक है ना, हर एक का पंचम वर्ण का प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। ठीक है, जैसे घंटी, ठीक है ना, गेंद, गंगा, ठीक है, इसी तरह इसका उच्चारण चंद्रबिंदु, इसे चंद्रबिंदु कहा जाता है। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, इसे अनुनासिका भी कहते हैं। पहले का केवल नाक से होता है और नीचे वाले का, चंद्रबिंदु का, नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है, इसी तरह अंग है, इसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण है की तरह होता है। ठीक है, इसका प्रयोग व्यंजन के बाद में किया जाता है, इसे विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रातः, नमः, शनि। स्वर का प्रयोग, स्वर का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, मूल रूप में और मात्रा के रूप में। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो वे अपना रूप बदल लेते हैं। इस बदले हुए रूप को हम मात्रा कहते हैं। स्वरों के निश्चित किए गए चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। ये पहले लिखे हुए स्वर, पहले हम देखेंगे स्वर ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। अब हम मात्रा देखेंगे इसकी। ए की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा इस तरह होती है, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे उ की, बड़े उ की, री की मात्रा, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, अब स्वर, स्वर मूल रूप में अखरोट, यहाँ ए पूरा ऐसे कैसे स्वर को लिया गया इससे बना है अखरोट। आ, आकाश, ई, इमली, ईद, उपहार, ऊन, ऋषि, एक, ऐनक, ओस, औरत। ठीक है, इसी तरह मात्रा के रूप में, मात्रा के रूप में ए की कोई मात्रा नहीं होती है, तो यहाँ लिख दिया कल, काल, काल लिखा तो हमने यहाँ पे इसकी आ की मात्रा लगा दी है। किला, यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी है। कील, बड़ी की मात्रा लगी है। कुल, छोटे उ की। पुल, बड़े उ की। कृषि, री की। केला, ए की। कैदी, आई की।
कोयल ओ की, कौवा ओ की, ठीक है ना, ये और ये ओ की मात्रा है। अब र के प्रयोग, र के साथ ऊ या बड़े ऊ की मात्रा उसके नीचे नहीं अपितु र के बीच में लगाई जाती है, जैसे र और छोटा ऊ, ठीक है, रुपया लिखा हमने र और ऊ, तो हमने र की मात्रा को ऐसे लगाया है बिना गांठ लिए ऐसे, ठीक है ना, जबकि हमने रूप लिखा है तो रूप के अंदर हमने इसको ऐसे गांठ बांध के लगाई है, क्योंकि ये बड़ा ऊ है और ये छोटा ऊ है। जब र से पहले कोई वर्ण स्वर के बिना होता है तो र उस वर्ण के नीचे लगता है, जैसे क्रम, प्रेम, उम्र आदि, ठीक है ना। अब इन्हें हम रेफ रे और पदेन रे इन दो भागों में बांट देंगे। जो पैरों में लगता है इसे हम, जैसे क्रम, क्रम में लगाया हमने तो इसे हमने पदेन रे कहा है, ठीक है, और ये ट्रेन, ट्रेन में भी हमने पदेन रे लगाया है, इसको हम पदेन रे बोलते हैं। और जो हम ऊपर लगाते हैं सूर्य, वर्षा, क्रम, श्रम, इनको हम रेफ रे बोलते हैं, ठीक है। जब जब र के र से पहले कोई वर्ण स्वर रहित होता है तो र उस वर्ण के नीचे लगता है, जैसे क्रम, प्रेम, उम्र आदि। जब र किसी वर्ण के नीचे इस रूप में लगता है तो इसे बोलते हैं ट्रेन, ट्रक, ड्राइंग, ड्रामा आदि। जब र स्वर के बिना होता है तो अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है और उससे पहले बोला जाता है, जैसे सूर्य, वर्षा, क्रम, ठीक, कर्म और शर्म, ठीक है ना। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन हैं। अब हम देखेंगे क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया। ट, ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह, ठीक है। ये 25 क्या हैं, स्पर्श व्यंजन है। हमने क से म तक इनको स्पर्श व्यंजनों में बांट दिया गया है, ठीक है। क से म तक क्या है, ये स्पर्श व्यंजन है। इसके बाद ड और ढ, ये अतिरिक्त व्यंजन है। इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, इनके नीचे बिंदी लगी हुई होती है। ये हमेशा शब्द के बीच में या लास्ट में प्रयोग होते हैं। इनमें व्यंजन के 3 भेद किए गए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। इनमें अब हम देखेंगे ये कैसे मैं तक, कैसे मैं तक स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। ये रे लेव, इनको हमने अंतस्थ व्यंजन में बांट दिया गया है। अंतस्थ व्यंजन ये संख्या में 4 है, ये रे लेव। इसके बाद शश सह ऊष्म व्यंजन है, ये संख्या में 4 है, शश सह, ठीक है। अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से नया व्यंजन बनता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, जैसे श, त्र, ग और श, ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं, जैसे क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा, त्राण, त्रिशूल, पत्र, ज्ञान, विज्ञान, यज्ञ, श्रवण, श्रम और श्रीमान, ठीक है। द्वित व्यंजन, जब दो समान व्यंजन वर्णों के मिलने से नया व्यंजन बनता है तो उसे हम द्वित व्यंजन कहते हैं। इसके अंदर जैसे कह के दो लिखे हुए हैं बच्चों, इसमें पहला स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित है। मैंने बताया था जब स्वर रहित होता है तो नीचे हलंत लग जाता है, तो हमने इसको हलंत नहीं लगा के इसको आधा कह लिख दिया है। तो पहला स्वर रहित है और दूसरा पूरा यानी स्वर सहित है, इसीलिए इसे द्वित व्यंजन बोला है, ठीक है। पहला स्वर रहित, दूसरा स्वर सहित है, ठीक है। जैसे कह कैसे बनाया हमने, पक्का, मक्का, चक्की, ठीक है, सज्जन, छज्जा, जैसे, जैसे, सच्चा, कच्चा, तैसे, छुट्टी, मिट्टी, खट्टा, तैसे, पत्ता, सत्तर, छत्ता, ठीक। इसी प्रकार हिंदी की वर्णमाला में कुल मिलाकर 52 वर्ण हैं, 11 स्वर हैं, स्पर्श व्यंजन 25 हैं, अंतस्थ वर्ण 4 हैं, ऊष्म वर्ण 4 हैं, संयुक्त वर्ण 4 हैं, अतिरिक्त व्यंजन 2 हैं, ठीक है। इसी तरह ये हो गए हमारे पूरे 52, ठीक है, ये अयोगवाद हैं। अब ये स्पर्श व्यंजन, सबसे पहले, इससे पहले स्वर मैंने पीछे बताए थे आपको 11। अंतस्थ व्यंजन ये हैं, यरलव है, ऊष्म व्यंजन शशस है, ठीक है। संयुक्त वर्ण ये हैं संयुक्त व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन मैंने पहले ही बताया था आपको, अतिरिक्त व्यंजन है 2, ड और ढ, ठीक है। अयोगवा ये अंग और अ है, जिनका भी हमने इसके अंदर मिला के 52 माने हैं। इनको वर्णों के इस समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। विशेष, सभी व्यंजन ए की सहायता से
लिखे जाते हैं। रहित व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है, जैसे क, प, मैं, च आदि, ये हलंत लगे हुए हैं तो ये आधे हैं। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण ओ को भी स्वर माना जाता है, जैसे हॉल, ऑफिस, बॉल, डॉक्टर आदि। ओ की तरह ही ज और फ व्यंजनों को अरबी फारसी के प्रभाव से हिंदी में ले लिया गया है, जैसे जमीन, साफ, जरा, लिफाफा आदि। ड और ढ के नीचे बिंदी लगाने पर ये दोनों अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं, परंतु इनसे किसी भी शब्द का आरंभ नहीं होता है, बल्कि इन्हें शब्द के बीच में या अंत में ही कहीं लिखा जाता है, जैसे सड़क, गुड़, कढ़ाई, बढ़ाई, पढ़ाई, ढूंढना, चढ़ाई, गढ़। ठीक है, ये बच्चों आपका पूरा चैप्टर कम्प्लीट हो। ओके, कुछ मुख्य बिंदु देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है अपने चैप्टर में। ठीक है, जैसे कि अपन देखेंगे क्षत्रज्ञ है ना, ये संयुक्त व्यंजन है, इनका प्रयोग देखेंगे। ठीक है, श, त्र, ज्ञ और क्षण। ठीक है, ये कैसे बने? ठीक है ना, क, श और ख। ठीक है, इनसे इनका निर्माण हुआ है। ठीक है ना, इसी तरह आधा त, वे और ऐसे बना है त्रे, जे, आधा जे, या और ए, इससे बना है गे, आधा शे, वे और ए, इससे बना है हमारा शे। ठीक है, इसी तरह द्वित व्यंजन, इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन, व्यंजन, और इन्हें कहते हैं द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन। जब दो समान व्यंजन वर्णों के मिलने से नया व्यंजन बनता है, ठीक है, दो समान व्यंजन वर्णों के मिलने से नया व्यंजन बनता है, उसे हम द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे पहला व्यंजन ये लिखा है क्या और क्या, ठीक है, पहला व्यंजन स्वर रहित है, दूसरा स्वर सहित है। अगर ये हमने ऐसे लिखा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने बताया था हलंत लगाएंगे, इसके अंदर ए मिला हुआ नहीं है, यानी ए स्वर इसके अंदर मिला हुआ नहीं है, तो ये आधा है, तो इसको हलंत लगाते हैं हम लिखेंगे। ठीक है, इसे हम कहते हैं द्वित व्यंजन। ठीक है, इसी तरह च ऐसे भी बनता है हमारा। ठीक है, ये आधा च से च, ठीक है, ये हमारे द्वित व्यंजन है। क्या कैसे बना हमारा पक्का, जय जैसे बना हमारा सज्जन, चय कैसे बना हमारा सच्चा, तय कैसे बना हमारा छुट्टी, और तय पैसे बना हमारा पत्ता। इसी तरह हम और भी शब्द बना सकते हैं। ठीक है, एक गया और ये दिन, जिनके नीचे बिंदी होती है ना, इनका हम कभी भी इनसे शब्द की शुरुआत नहीं करते हैं, ये हमेशा शब्द के या तो बीच में आएंगे या लास्ट में आएंगे। ठीक है, इन्हें हम अतिरिक्त व्यंजन, क्या बोलते हैं इन्हें हम, अतिरिक्त व्यंजन। एक है अंध और अह, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं अयोगवा, अयोगवा, ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। जब मैंने पाठ पढ़ाया था तब भी आपको बताया था, न ये स्वर है न ये व्यंजन है। ठीक है ना, इन्हें अयोगवा कहते हैं, ये ड और ढ है, इनकी नीचे बिंदी है, अगर इनकी नीचे बिंदी नहीं होती तो हम इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत कर सकते थे, लेकिन अगर इनकी नीचे बिंदी है तो ये बीच में ही आएंगे, इन्हें अतिरिक्त व्यंजन बोलते हैं और इन्हें अयोगवा बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन आंसर निकालिए, क्वेश्चन नंबर वन पार्ट अपना कंप्लीट हो गया था, अब हम इनके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है अपना इसका,
वर्ण के कितने भेद हैं नाम लिखिए। पहला पहले का क, उत्तर लिखेंगे हम वर्ण के कितने भेद हैं। वर्ण के दो भेद हैं, वर्ण के दो भेद हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम ऐसे वर्णों के नाम लिखिए जो न स्वर है न व्यंजन है। खैर का उत्तर अंग और है, अभी मैंने बताया था न ये स्वर है न ये व्यंजन है। अयोगवा वर्ण कहते हैं। तीसरा है हमारा व्यंजन किसे कहते हैं हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं। व्यंजन किसे कहते हैं हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड। सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। पहला है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई बच्चों वर्ण है। कैसे म तक के व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो मैंने बताया था क का एक वर्ग होता है, है ना, च का एक वर्ग होता है, इसी तरह हमने इन्हें पांच वर्गों में बांटा है। औ कैसा स्वर है ना, औ कैसा स्वर है तो दीर्घ स्वर है। ठीक है, सभी व्यंजन किस स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो सभी व्यंजन ए स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। एक जैसे वर्णों से बनने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, तो संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वर्ण। ठीक है, वर्ण है हमारा। कैसे म तक के व्यंजनों को कितने वर्णों में बांटा गया है, ठीक है ना, वर्गों में बांटा गया। तो कैसे म तक के व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, पांच लोग। ठीक है, नेक्स्ट पे अपना औ कैसा स्वर है, औ कैसा स्वर है, औ कैसा स्वर है, दीर्घ स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना सभी व्यंजन किस स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, सभी व्यंजन किस
स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये सभी व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। नेक्स्ट होगा अपना, नेक्स्ट लास्ट पे अपना ये सेकंड का, ये आप पहले बुक में फिल कर लीजिए सब बच्चे। नेक्स्ट देखेंगे अपन, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट वाला। एक जैसे वर्णों से बनने वाले वर्णों से बनने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो ये द्वित वर्ण कहलाते हैं, द्वित वर्ण। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिए गए सही वाक्यों के सामने राइट और गलत के सामने रंगों का चिन्ह लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्वर संख्या में 33 है, स्वर संख्या में 33 है, रॉन्ग स्वर संख्या में 11 है, गैर संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, राइट गैर संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट देखेंगे हम, आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, कोई मात्रा नहीं होती। गलत है बच्चों, आ स्वर की मात्रा होती है। नेक्स्ट है अपने, को अनुस्वार कहते हैं, नहीं इसको हम चंद्रबिंदु कहते हैं। अनुस्वार की तो एक बिंदी के रूप में दिखता है। ठीक है, ये हो गया हमारा रॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा, व्यंजन के साथ मिलकर, व्यंजन के साथ मिलकर स्वरों का रूप नहीं बदलता, स्वरों का रूप नहीं बदलता। व्यंजन के साथ बच्चों मैंने बताया था मूल रूप में भी लगते हैं और मात्रा के रूप में भी ये स्वर लगते हैं। तो मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ जब स्वरों का रूप हमेशा बदल जाता है, मात्रा के रूप में लगते हैं ये, इसलिए ये भी रॉन्ग बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, द्वित
व्यंजन है, राइट? ये भी मैंने बताया था, ये दुष्व्यंजन है क्योंकि पहला स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित है। जो स्वर रहित होता है उसे हम हलंत लगा के या आधा लिखते हैं, और जिनमें एस स्वर मिला हुआ होता है उसे हम पूरा लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दिए गए नीचे दिए गए चित्र देखिए तथा सही स्थान पर अनुस्वार अनुनासिका लगाकर शब्द लिखिए। तो पहला हुआ है अपना पंख, उसमें लगेगा हमारे अनुस्वार। नेक्स्ट बंदर, इसमें भी लगेगा अनुस्वार। चांद, इसमें लगेगा चंद्र बिंदु। ऊंट, नेक्स्ट है अंगूठी। नेक्स्ट है घंटा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, र के अलग अलग रूपों का प्रयोग करके शब्द पूरे कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, लिखने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे रह के विभिन्न रूपों के बारे में। पहला है रह, जैसे हमने लिखा राम, ये इसका मूल रूप है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हमने रह का, ये वाला रह लगा के, जैसे शर्म, तो हमने ये क्या लगाया, रेफ रह लगाया, इसको हम रेफ रह कहते हैं, ठीक है। ये वाला लगाया, इससे बनाया हमने क्रम, ये लगा हमारा पदेन रह। जब नीचे लगता है तो हम इसे पदेन रह कहते हैं, ऊपर की तरफ लगता है तो हम इसे रह प्रह कहते हैं, ठीक है। इसी तरह एक रह ऐसा होता है, ये हमने लिखा ट्रक, ये भी पदेन रह, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पहला शर्म बनेगा, दूसरे में ड्रम बनेगा, नेक्स्ट में वर्षा, कार्य, क्रोध, सर्प, ट्रेन, चक्र, ट्रक, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न वर्णों का प्रयोग करके दो दो शब्द लिखिए। संयुक्त व्यंजन है क्षत्र के, से इनसे हमें शब्द बनाने हैं। पहला क्ष से क्षत्रिय, क्षमा। नेक्स्ट है पत्र, चित्र। नेक्स्ट गैर, ज्ञानी, विज्ञान। नेक्स्ट बनेगा अपना श्रमिक, श्री। नेक्स्ट बनेगा डेर, इनके लिए मैंने बताया था बच्चों आपको, जिनके नीचे बिंदी होती है उनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, डे और डे, ये हमेशा शब्द के बीच में या लास्ट में आते हैं। जैसे इससे बनेगा हमारा सड़क, कड़ाही, इसी तरह बनेगा ढे से पढ़ना, चढ़ना। ये अतिरिक्त व्यंजन है, ये हमेशा जिनके नीचे बिंदी लगी हुई होती है ना, इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, ठीक है। सड़क, कढ़ाई, पढ़ना और चढ़ना, ठीक है। ये बच्चों हमारा पूरा
चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये सब बच्चों को नोटबुक में भी करना है और बुक में भी ये वर्क कंप्लीट करना है आप लोगों को, ठीक है ना। और जो बच्चे वर्क नहीं कर रहे हैं वो भी अपना वर्क कंप्लीट करें, और सभी बच्चे अपना वर्क नोटबुक और बुक दोनों में करके साइन करेंगे ताकि हम लोग समय पे कॉपी चेक कर सकें, ठीक है। थैंक यू।